हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आईसर पुणे की वेबसाइट को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं समर स्टूडेंट प्रोग्राम है यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके 11 फरवरी से ओपन होंगे अभी तक ओपन नहीं हुए हैं यहाँ पर अगर हम देखिए द लिस्ट ऑफ़ प्रोजेक्ट पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स मे बी व्यूड थ्रू द लिंक आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं जो जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट प्रोग्राम है किन किन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला केमिस्ट्री बायोलॉजी डेटा साइंस अर्थ क्लाइमेट साइंस मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटीज ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारा बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है दिसज समर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एवेलुएट द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एट आई सो पुणे इंटीग्रेटेड पी एच डी एंड पी एच डी तो इसके थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि आई सोज में कैसी रिसर्च चल रही है आई सो पुणे में और आप किस में इंटरेस्टेड हो अगर हम यहाँ पे देखिए दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज मेट फॉर नॉन आई सो पुणे स्टूडेंट्स दिस वेब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉटे मेंट फॉर समर फेलोज सेलेक्टेड फॉर आई सो पुणे थ्रू अदर फेलोशिप प्रोग्राम्स लाइक आई ए एस सी एंड जे एन सी एस आर तो यहाँ पर ये जो है अलग से ये प्रोग्राम है तो अगर आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स करंटली स्टडिंग इन द सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ बी एस सी बी टेक बी ई और इक्वेलेंट फर्स्ट ईयर ऑफ बी एस सी एम एस सी एम टेक और इक्वेलेंट तो आप इन ईयर्स में हो सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अलावा कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता और आप करंटली स्टडी करने होने चाहिए मिनिमम सिक्सटी परसेंट आपको ओवरऑल ग्रेड चाहिए और एट्टी परसेंट आपको चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट में जिस भी स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है उसमें अवेलेबल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये सारे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने मैंशन कर रखे हैं बायोलॉजी के आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या है सुपरवाइज़र कौन है प्रोजेक्ट का नाम क्या है कैटेगरी क्या है डिस्क्रिप्शन क्या है नॉलेज क्या होनी चाहिए ये सब इन्होंने मैंशन कर रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि फैकल्टी नॉट लिस्टेड जो फैकल्टी का नाम नहीं लिखा लिखा गया है इसमें वो नहीं ले रहे हैं समर प्रोजेक्ट यू मे गो थ्रू द वे प्लेज वेब प्लेज वेब पेज टू सी अबाउट द फैकल्टीज एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल प्लीज डू नॉट अप्लाई फॉर अ प्रोजेक्ट दैट यू आर नॉट इक्विप्ड टू अंडरटेक इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम तो यहाँ पर आपके जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो आपके पास हो तो अच्छी बात है जैसे इन्होंने नॉलेज लिख रखा है कि आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए तो अगर ऐसी नॉलेज है तो आप अप्लाई करिएगा तो देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में क्या क्या नॉलेज मांग रहे हैं और उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और उस आई पुणे के लिए भी अच्छा रहेगा दोनों का ही वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा इफ़ यू नीड फर्दर टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट सेंड अ सिंगल ई मेल टू द कंसर्न फैकल्टी प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर अपू टू प्रोजेक्ट आप दो प्रोजेक्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहने वाला है चार से आठ वीक का पंद्रह मई से पंद्रह जुलाई तक होने वाला है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है ओपन हो जाएगा आई सब पुणे यहाँ पर सलेक्ट करता है फ्री रूम आपको दिए जाएंगे इन द स्टूडेंट हॉस्टल में तो आप स्टूडेंट हॉस्टल भी आई सब पुणे का देख सकेंगे आपको फ्री रूम दे जाएंगे वहां पे यहां पर आपको वी आर अनेबल टू प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू कवर द द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड बोर्डिंग इन मेस पर मंथ तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वो आपको यहाँ पर अनेबल बोलाबल प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि जो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा वो आपको नहीं दे पाएंगे बोर्डिंग इन द होस्टल होस्टल मेस वो भी आपको नहीं दे पाएंगे आपको सिर्फ यहां पर क्या दे रहे हैं फ्री रूम्स प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विल एनी क्वेरी हो तो मेल कर लीजिएगा प्लीज डू नॉट कॉन्टेक्ट इधर फोन और बाई मेल द कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट यूर रजिस्टर्ड तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड हो आई सब पुणे में रिसर्च करने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है रिसर्च के हिसाब से तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जरूर अप्लाई कीजिएगा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस टेक केयर